जंग शुरू हो चुकी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या होगा जब इजराइल के डिफेंस फोर्स गाजा के अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन गाजा में प्रवेश करते ही, गाजा में कदम रखते ही इजराइल की आर्मी पर गाज गिरी है। गाजा के बॉर्डर में घुसते वक्त हमास के खूंखार लड़ाकों से इजराइल डिफेंस फोर्स की पहली भिड़ंत का नतीजा सामने आ चुका है। गाजा के किसी फोम इलाके के पास इजराइल डिफेंस फोर्स ने छापेमारी की कोशिश की थी, लेकिन वहां अचानक इजराइल की आर्मी पर हमास के लड़ाकों ने अटैक कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के मरकावा टैंक पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर दिए, जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया है और कई घायल हुए हैं। गाजा को हमास ने एक ऐसा किला बना दिया है जिसको जीतने के लिए इजराइल को भारी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, और ये बात पहली खतरनाक खूनी झड़प से समझ में आ रही है। अभी दो दिन पहले ही इजराइल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने अपने कमांडर्स को संबोधित करते हुए कहा था कि गाजा पर इजराइल के द्वारा की जा रही एयर स्ट्राइक से ये ना समझा जाए कि हमास कमजोर हो गया है। जब इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी तो ये मानकर चलेगी कि हमास को एयर स्ट्राइक में शून्य नुकसान हुआ है, तभी आप पूरी ताकत लगाकर हमास से लड़ पाएंगे। इजराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये बात सही होने में सिर्फ दो दिन का वक्त लगा, और ये नजर आ गया कि अभी भी गाजा की जमीन पर हमास की पकड़ कितनी मजबूत है। गाजा के अंदर घने इलाकों की गलियों में कैसे खून खराबा होने वाला है, इसकी पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। गाजा की गलियों में सेना ऐसी सजी हुई है, अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उसका सामना गाजा के इन लड़ाकों से होगा। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना जमीन के रास्ते गाजा में दाखिल होने को तैयार है। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर डटी हुई है। हवाई रास्ते इजराइल गाजा को जमीन दोज करने में लगा है। इजराइल की सेना जमीन पर भी जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना की योजना मरकावा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की है। इजराइल का मरकावा दुनिया का सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है, लेकिन गाजा का दावा है कि वह इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। इजराइल की सेना जमीन के रास्ते गाजा में किसी भी वक्त दाखिल हो सकती है, लेकिन गाजा भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि गाजा में हमास इजराइल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा। इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास के पास और क्या है? गाजा को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ तीन सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इजराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इजराइल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? हमास की इस तैयारी को देखिए, ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इजराइल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे, वहीं इजराइल की सेना की एक टुकड़ी गाजा के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने के लिए जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी टुकड़ी गाजा में स्ट्रीट फाइट की तैयारी कर रही है। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इस वक्त गाजा पर इजराइल की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, बावजूद इसके गाजा इजराइल से लोहा लेने के फुल मूड में है। और गाजा के किले को तोड़ने के लिए अब इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत ने भी एक प्लान तैयार किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल के दक्षिणी हिस्से में जब हमास के आतंकी घुस गए और सैकड़ों लोगों का कत्ल किया तो पूरी दुनिया में मोसाद की आलोचना हो रही थी, लेकिन असल जिम्मेदारी मोसाद से ज्यादा शिन बेत की थी, जो इजराइल की एक और खुफिया एजेंसी है। इजराइल में दो प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं, पहली मोसाद
जो विदेशों के अंदर खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करती है, और दूसरी शिन बे जो कि इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करती है। यानी जब हमला इसराइल के अंदर हुआ तो इसराइल की मिलिट्री को आगाह करना शिन बेत का काम था, लेकिन शिन बेत ये काम नहीं कर सकी और इसके लिए शिन बेत के हेड रोनेन बार ने पूरी जिम्मेदारी भी ली है। रोनेन बार ने इसके लिए माफी मांगते हुए ये भी कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल में जो किया है उसके बाद वो समझ ले कि अब इसराइल के इंतकाम की कोई सीमा नहीं होगी। शिन बेत के हेड रोनेन बार ने एक नई यूनिट बनाई है जिसका नाम है निल। ये यूनिट विशेष रूप से हमास की आर्मी अल कसाम की नुकबा कमांडो यूनिट को खत्म करने के लिए बनाई गई है। निल हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ये झूठ है कि इसराइल का कभी अंत होगा। शिन बेत की निली यूनिट को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने वाले नुकबा के सभी आतंकी कमांडो को जान से मारकर बदला लेगी। 7 अक्टूबर को हमास की आर्मी की जिस यूनिट ने आतंकी हमला किया था उसका नाम नुकबा है। 7 अक्टूबर को नुकबा के करीब 2500 आतंकी दक्षिण इसराइल के इलाके में घुसे थे और लगातार 2 हफ्ते तक यह ऑपरेशन चला था जिसमें 1500 के करीब नुकबा कमांडो इसराइल की आर्मी ने कॉम्बैट ऑपरेशन में मार गिराए थे। टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर छापी कि नुकबा का एक आतंकी कमांडो पिछले 16 दिनों से दक्षिणी इसराइल यानी जिस हिस्से में हम लोग हैं वहाँ छिपा हुआ है, और जब भी इस आतंकी कमांडो ने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की तब इसराइल डिफेंस फोर्स ने इसे पकड़ लिया। हमास की आर्मी अल कसाम के नुकबा पर इसराइलियों का सबसे ज्यादा गुस्सा फूट रहा है। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह खबर छापी है कि इसराइल की एयरफोर्स ने नुकबा के 2 कमांडो रविवार को एयर स्ट्राइक में मार डाले। इसी नुकबा की करतूतों की वजह से आज पूरा गाजा जल रहा है। अगर हमास के इस खतरनाक यूनिट ने दरिंदगी नहीं दिखाई होती तो आज इसराइल और गाजा के बीच यह खतरनाक जंग नहीं चल रही होती। यह इस वक्त की गाजा की ड्रोन फुटेज है। ऊपर से गाजा सीमेंट की इमारतों का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। यह घर, फ्लैट, बाजार, दुकान कभी हंसियों से गुलजार थे लेकिन अब ये सब बियाबान हो चुके हैं। फिलिस्तीन के अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसराइल की एयरफोर्स 6000 इमारतों को जमीन दोज कर चुकी है और इस तबाही में 14000 से ज्यादा फ्लैट्स तबाह हो चुके हैं। इसराइल की एयरफोर्स अब तक गाजा के 60 सरकारी भवनों को भी तबाह कर चुकी है। इसराइल की एयरफोर्स इसलिए भी इन ऊंचे टावर्स को निशाना बना रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि बाद में इन ऊंचे टावर्स का इस्तेमाल स्नाइपर्स कर सके। ऐसी तबाही गाजा के अंदर होगी ये पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। इसराइल के इंतकाम की कोई सीमा नहीं और गाजा के लोगों के दुख की भी इस वक्त कोई सीमा नहीं है। ये एक फिलिस्तीनी महिला है जिसने इस तबाही में अपना परिवार खो दिया है। وبالنسبه للشهيد هو على خط واحد مع باقي الشهداء ومع المنتظرين الى تحقيق النصر. هي معركه حق وباطل، هي معركه حق وباطل اينما كانت. اهل الحق واحد واهل الباطل واحد، والحق منتصر قطعا لا محاله. गाजा के लिए ये एक आम त्रासदी हो गई है जहां हर दिन एयर स्ट्राइक होती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब तक करीब 14000 लोग घायल हो चुके हैं, करीब 5000 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें से करीब 2000 छोटे बच्चे हैं और 1000 महिलाएं हैं। हमास और इसराइल की इस लड़ाई में आम लोग बुरी तरह से पिस रहे हैं। معظم الاصابات والشهداء الذين وصلوا الى مستشفى الشهداء الاقصى من النازحين، يعني هناك اعداد كبيره من النازحين وصل الى مستشفى الشهداء الاقصى، معظمهم يأونهم في منازل اقاربهم ووصلوا الينا عباره عن جثث واشلاء مقطعه، اكثر من 90 شهيد وصلنا منذ الصباح الباكر الى مستشفى الشهداء الاقصى في المحافظه الوسطى واكثر. फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक उत्तर गाजा के 2 अस्पताल अल शिफा और अल कुद्स को भी इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से खाली करने के लिए कहा गया है। ऐसे में गाजा के अंदर चिकित्सा का काम लगातार प्रभावित हो रहा है
और ये सारी तबाही क्यों मची हुई है? क्योंकि ये इसराइल के वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों को हमास ने बंधक बना रखा है। इसराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक 200 से 250 लोग इस वक्त हमास की कैद में हैं और इसराइल के अंदर इनके परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि लोगों को रिहा किया जाए, और साथ ही बंधकों की तस्वीरें भी हैं। ये एक बहुत बड़ा द्वंद है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। यूरोप के तमाम देशों में फिलिस्तीन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग एक ही है कि किसी भी तरह गाजा के अंदर सीज फायर करवाया जाए ताकि गाजा में लोगों का मरना बंद हो। जबकि दूसरी तरफ इसराइल के समर्थक वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो किया है उसकी सजा देने का हक इसराइल के पास है। 7 अक्टूबर को इसराइल के दक्षिणी हिस्से में जब हमास के आतंकी घुस गए और सैकड़ों लोगों का कत्ल किया तो पूरी दुनिया में मोसाद की आलोचना हो रही थी, लेकिन असल जिम्मेदारी मोसाद से ज्यादा शिन बेत की थी जो इसराइल की एक और खुफिया एजेंसी। इसराइल और फिलिस्तीन की इस जंग ने पूरी दुनिया के अंदर कई इलाकों में एक सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है जिसका असर अमेरिका और यूरोप के तमाम इलाकों में नजर आ रहा है। ताजा खबर यह है कि अमेरिका में शनिवार की सुबह डेट्रॉयट सिनेगॉग की अध्यक्ष सामंथा वोल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सामंथा एक यहूदी धर्मस्थल का काम देखती थी। लंदन में फिलिस्तीन का समर्थन और इसराइल का समर्थन करने वालों के बीच भी होड़ नजर आ रही है। पहले फिलिस्तीन के समर्थकों ने लंदन के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यूरोप के कई अखबारों ने दावा किया कि फिलिस्तीन के समर्थन में 1,00,000 लोग उतर आए थे। कई लोगों ने इस प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारे लगाए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के बाद प्रतिक्रिया में 10,000 लोगों ने ही लंदन में प्रदर्शन किया और वो इसराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। स्पेन में भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। Se va a repetir cada ciertos años, se va repitiendo la misma historia. Si no buscamos una solución fija, que el Estado sionista respete las leyes internacionales, no va a haber una solución a corto plazo. Lo que está pasando ahora pasó hace 10 años y volverá a pasar de aquí 10 años otra vez. स्पेन के बार्सिलोना में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। हजारों लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर बार्सिलोना में उतर गए। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे थे और तुरंत सीज फायर करने की मांग कर रहे थे। No servirá para nada porque los autores de las masacres y los autores y los cómplices de las masacres no estaban ni el Estado de Israel ni Estados Unidos ni la Unión Europea en general. Todos los que estaban allá son títeres, no tienen ninguna autoridad ni tienen ninguna voluntad en solo ni pueden solucionarlo. युद्ध की विभीषिका इतनी बड़ी है कि रफा क्रॉसिंग के पास भी जब इसराइल के टैंक का एक फायर हुआ तो इजिप्ट में हड़कंप मच गया। बाद में इजिप्ट की फोर्स की तरफ से ये सफाई दी गई कि इसराइल ने मान लिया है कि ये फायर गलती से हुआ था। कुल मिलाकर अगर गाजा की तबाही को नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरा वेस्ट एशिया और अरब खौलने लगेगा।